आपने कभी नोटिस किया है कि आप वेरी को कितनी बार यूज़ करते हैं दिन में? मुझे लगता है अनगिनत बार। शायद आप गिन भी नहीं पाएंगे कि आप वेरी कितनी बार बोलते हैं, चाहे वो वेरी कन्फ्यूज्ड हो, वेरी कलरफुल, वेरी क्लियर, वेरी मीन, वेरी बिजी, वेरी गुड, वेरी कोल्ड, वेरी ब्यूटिफुल। अगर आप हर बात पर वेरी को इसी तरह से यूज़ करते हैं, क्लियर इंडिकेशन है कि वोकैबुलरी बहुत पुअर है। और अगर आप एक इम्प्रेसिव इंग्लिश चाहते हैं तो आज से ही वेरी शब्द को हटाना शुरू कर दीजिए। हर बात पर वेरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वेरी कन्फ्यूज्ड की जगह अगर मैं परप्लेक्स्ड बोलूँ तो कैसा लगेगा? वेरी कलरफुल की जगह मैं वाइब्रेंट बोलूँ तो? और वेरी कोल्ड की जगह फ्रीजिंग, वेरी डीप की जगह प्रोफाउंड, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा ना? तो आज इसी तरह के कुछ वर्ड्स लेकर के मैं आई हूँ, और लगभग लगभग ये 100 ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे हम वेरी यूज़ करते हैं, तो हम उनको अब धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी से हटाएंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ नीति। आगे बढ़ने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन रहता है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। फर्स्ट हमारा जो वर्ड है, जैसे हम कहते हैं ना वेरी बैड, लो क्वालिटी, अनप्लेजेंट, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑफुल, AWFUL। तो जब आपको कहीं यूज़ करना कि बहुत ख़राब है, निम्न गुणवत्ता का है, या जो मन को अच्छा ना लगे, तो ऐसी जगह आप ऑफुल यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रेपुटेशन ऑफ दिस कोचिंग इज़ ऑफुल। कहने का मतलब है कोचिंग का नाम अच्छा नहीं, मतलब कोचिंग ख़राब है। शी हैज़ एन ऑफुल लाइफ पार्टनर। तो वेरी बैड लाइफ पार्टनर की जगह हम यूज़ कर सकते हैं शी हैज़ एन ऑफुल लाइफ पार्टनर। वॉट एन ऑफुल वेदर, वी कांट गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। मतलब वेदर बहुत ख़राब है, हम बाहर नहीं जा सकते लॉन्ग ड्राइव पे। तो यहाँ पर अनप्लेजेंट वेदर की जगह आप ऑफुल वेदर यूज़ कर सकते हैं। द फूड वॉज ऑफुल, मतलब या तो कह सकते हैं लो क्वालिटी का था या बहुत ख़राब था। द फूड वॉज ऑफुल। वाई यू आर थिंकिंग टू ट्राई फूड इन दिस ऑफुल रेस्टोरेंट, मतलब इसकी जो रेस्टोरेंट की जो रेपुटेशन है ख़राब है, रेस्टोरेंट अच्छा नहीं, आप यहाँ क्यों ट्राई करना चाह रहे हो खाना खाना? आई अडोर रैबिट्स बट देयर स्मेल इज़ ऑफुल, मतलब मुझे रैबिट प्यारे लगते, अच्छे लगते, लेकिन उनकी स्मेल जो होती है ना वो बहुत ख़राब है, बहुत ही गंदी लगती है, वेरी बैड। सो आई अडोर रैबिट्स बट देयर स्मेल इज़ awful। नेक्स्ट आते हैं क्रूअल। क्रूअल हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जब हम किसी बार कहना चाहते हैं बहुत मीन है, मतलब स्वार्थी है, या बिल्कुल जिसके अंदर दया नहीं है, एक्सट्रीमली अनकाइंड है, अनप्लेजेंट है, तो वहाँ पे हम क्रूअल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इट्स क्रूअल टू कीप बर्ड्स इन केजेस, मतलब ये बहुत क्रूअल है, क्रूरतापूर्ण है ना, अगर हम चिड़ियों को, पक्षियों को हम केजेस में रखते हैं। डोंट टीज हर अबाउट हर लुक्स, इट्स क्रूअल। उसका जो रूप रंग है या जैसी वो दिखती है उसका मजाक मत उड़ाओ, उसके बारे में उसे मत चढ़ाओ, ये बहुत ही क्रूअल है, इट्स क्रूअल। सो इट्स वेरी बैड या अनकाइंड की जगह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इट्स क्रूअल। हिज क्लासमेट्स आर क्रूअल, अगर उसके क्लासमेट्स मीन हैं, बहुत स्वार्थी हैं, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हिज क्लासमेट्स आर क्रूअल। और अगर हम जैसे कोई बेटी है किसी की, अगर वो बहुत स्वार्थी है, मीन है, तो उसकी जगह हम यहाँ पे क्रूअल कैसे यूज़ करेंगे देख लीजिए। यू आर जस्ट अ क्रूअल डॉटर एज यू नेवर केयर्ड अबाउट योर पेरेंट्स। यू आर जस्ट अ क्रूअल डॉटर एज यू नेवर केयर्ड अबाउट योर पेरेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है चेरिश्ड। चेरिश्ड तब जैसे यूज़ करते हैं जो बहुत प्यारा हो, आपको लव्ड हो, वेरी डियर या लव्ड, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई मोमेंट या कोई ऐसी वस्तु, चीज़, कुछ भी हो सकता है। What are your most cherished moments? मतलब आपके कौन सबसे खूबसूरत पल हैं, जैसा कौन सा समय था या जो पल थे जो आपको बहुत ज़्यादा अभी भी याद आते हैं, प्यारे लगते हैं। He described the picture as his most cherished possession। जो कोई पिक्चर है या कोई फोटोग्राफ है आप कह सकते हो, या तो कोई सीनरी है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, मतलब उसकी सबसे लव पोजिशन या उसकी संपत्ति जो उसे बहुत प्यारी है वो चीज़। He was a man who cherished his privacy। मतलब जिसको अपनी निजता बहुत ज़्यादा प्यारी थी। They are my cherished friends। ये मेरे सबसे प्यारे दोस्त हैं, loved ones। This is your cherished ambition। जो ऐसा ambition, जो आपका aim है, जो आपको बहुत प्यारा हो, मतलब जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हो। This is your cherished ambition। Next है dull। अगर आप कहीं आप कहना चाहते हो very boring या not interesting, exciting भी नहीं है, मतलब बहुत bore है, तो उसकी जगह आप वहाँ पर dull use कर सकते हो word। उसके कुछ example हैं, The movie was dull। Instead of saying the movie was very boring, you can say the movie was dull। I found his speech dull। कुछ लोग की स्पीच जो थी बहुत डल लगती है, उनको सुनना नहीं चाहते या उसको झेलते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं I found his speech dull। It sounds dull to me। अगर कोई चीज़ कोई आपको प्लान बताता है, आपको एक्साइटिंग नहीं लगता, तो आप वहाँ कह सकते हो It sounds dull to me। This web series is so dull that I can't watch it anymore। कोई वेब सीरीज़ है जो आजकल जैसे चलता है, बहुत सारी वेब सीरीज़ आ गई हैं, तो अगर कोई पसंद नहीं आ रही है, बहुत डल लग रही, तो आप कह सकते हो कि इसको और मैं नहीं देख सकता, बहुत ही डल है। इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज़ वेरी बोरिंग, यू कैन यूज़ डल।
नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मतलब बहुत गरीब, बहुत निर्धन, वेरी पुअर। तो इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं सेंटेंसेस में। स्लम्स आर फुल ऑफ डेस्टिट्यूट, स्लम्स जो हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं बिल्कुल गरीबों से भरी पड़ी हैं। शी इज़ अ डेस्टिट्यूट बट अ ब्रिलियंट गर्ल, आई थिंक वी शुड हेल्प हर। वो हालांकि वो बहुत गरीब है लेकिन एक काफ़ी होनहार लड़की है, हमें लगता है, मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दो ही इज़ अ डेस्टिट्यूट बट ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, हालांकि वो बहुत गरीब है लेकिन वो अपने जो उसके शब्द हैं वो उनका मान रखता है, मतलब वो जो कहता है वो वही करता है। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब वेरी डीप, जब कोई चीज़ गहरा प्रभाव छोड़े या कोई गहरा कोई थॉट है या ऐसी कोई चीज़ जिसका इम्पैक्ट हो वहाँ पे आप यूज़ करोगे वेरी डीप के लिए इम्पैक्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। कुमार विश्वास हैज़ अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न हिंदी पोएट, जो कुमार विश्वास जी हैं उनकी गहरी छाप है किसके ऊपर, जो आज के आधुनिक हिंदी के कवि हैं उनके ऊपर। हैवी स्कूल बैग्स हैज़ अ प्रोफाउंड इल इफेक्ट ऑन द स्पाइन ऑफ द चिल्ड्रेन, मतलब जो आजकल के जो बैग इतने स्कूल हैवी हो गए हैं उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों की रीढ़ की हड्डी पे। योर वर्ड्स मेड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मी, तुम्हारे जो शब्द हैं उसने मेरे ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। यू आर रेजिंग अ प्रोफाउंड क्वेश्चन, तुम काफ़ी एक गहन क्वेश्चन है, काफ़ी गहरा क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो मैंने सीरीज शुरू करी है वेरी शब्द को हटाने के लिए, कुछ नई वोकैबुलरी अपनी इंग्लिश में जोड़ने के लिए, आपको अगर अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि इसको मैं आगे कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो को मैं कैसे बेहतर बना सकती हूँ इस पर आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।